आज हम मम्मी पापा की रसोई में कुल्फ़ी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इस दूध को उबलने के लिए मैंने रख दिया है। अब ये दूध जब तक उबल रहा है तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। पहले तो सारी कुल्फियाँ प्लेन ही बनती हैं, उसके बाद जो हमें फ़्लेवर देना हो, कोई स्ट्रॉबेरी का, कोई मैंगो का, कोई चॉकलेट का, वो सब बाद में होता है। कुल्फ़ी पहले सिर्फ सिंपल बनाई जाती है, जिसके लिए अगर आप ये कुल्फ़ी प्रीमिक्स घर में बना के रख लें तो तरह तरह की वैरायटी की कुल्फ़ी बना सकती हैं, दूध की बोतल बना सकती हैं, जिससे कि झटपट आपकी कुल्फियाँ तरह तरह की वैरायटी तैयार हो जाएगी। ये कुल्फ़ी प्रीमिक्स मैंने घर पर बना ली है और मैं इससे बहुत बार कुल्फ़ी बना चुकी हूँ। उसमें से मैंने ये 4 चम्मच कुल्फ़ी का पाउडर निकाल लिया, थोड़ा सा ठंडा दूध निकाल लिया। इसके अंदर चीनी है, इसलिए चीनी आप अपने स्वादानुसार मिलाएं, मैं सिर्फ 4 चम्मच मिला रही हूँ। मैं आज इसको मैंगो फ्लेवर दे रही हूँ, इसलिए आज मैंने ये मैंगो रखा है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब तक हमारा दूध उबल रहा है तो ये ठंडे दूध के अंदर ये 4 चम्मच कुल्फ़ी प्रीमिक्स इसको घोल के रख लेते हैं। 1 लीटर दूध के अंदर 4 चम्मच सफिशेंट रहते हैं। ठंडे दूध में देखें कितनी जल्दी घुल गया, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और झटपट से ये हमारा ये घोल तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे दूध में बॉयल आ चुका है तो अब एक हाथ से इसको डालें और दूसरे हाथ से इसको चलाती जाएं, क्योंकि हमें इसको लम्स फ्री बनाना है। और स्वादानुसार चीनी भी साथ ही डाल दें और तब तक हिलाती रहें जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। जैसे ही बॉयल आएगा फिर हम इसको फ्लेम को लो कर देंगे और थोड़ा, जब तक ये आधा ना रह जाए तब तक इसको पकाएंगे और बीच में एक चलाते भी रहेंगे। दूध में बॉयल आ गया, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। कुल्फी का दूध तैयार है, अब हम इसको ठंडा करेंगे फिर इसमें मैंगो पल्प डालेंगे। मैंगो की कटिंग हो गई है, इसको भी मिक्सी के जार में डाल दें। कुल्फ़ी का दूध भी ठंडा हो गया, थोड़ा सा हम इसमें कुल्फ़ी का दूध मिक्स करेंगे और फिर इसको ब्लेंड करेंगे और बाकी का दूध बाद में डालेंगे। कुल्फ़ी का दूध तैयार है, मैंने इसमें मैंगो भी मिक्स कर दिया। अब मैं इसको इन सांचों में भरूंगी और फ्रीज़र में जमाऊंगी। हमारी शानदार मैंगो कुल्फ़ी बनकर तैयार है, अब मैं इसको फ्रीज़र में रखने के लिए जा रही हूँ। हमारी शानदार मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है, अब मैं इसको डी मोल्ड करके बताती हूँ। ये देखें कितनी बढ़िया जमी है। शानदार हमारी रोल कट मैंगो आइसक्रीम सर्व करने के लिए तैयार है।